सो फाइनली दोस्तों YouTube शॉर्ट को लेकर के एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आ गया है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग में देखिए दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट वीडियो जब अपलोड करते हो, यहाँ पर मैं जैसे शॉर्ट पे क्लिक किया, क्रिएट शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी वीडियो जो अपलोड करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यू भी करता हूँ। आप कोई भी वीडियो जब अपलोड करते थे तो उसमें क्या होता था कि आप वीडियो अपलोड कर देते थे, आपके वीडियो पर शॉर्ट्स वीडियो पर थंबनेल आप नहीं लगा सकते थे, जिसकी वजह से आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आता था, क्योंकि वीडियो का टॉपिक अगर अच्छा होते हुए भी वीडियो जब अपलोड करते थे तो उसका थंबनेल कुछ ना कुछ दूसरा हो जाता था और आप सोचते थे यार इसका थंबनेल नहीं लगा पा रहा हूं, और जिसकी वजह से व्यूज भी नहीं आते थे, क्योंकि क्लियर थंबनेल जो मेन थीम होता था थंबनेल का वो उस वीडियो में दिखाई ही नहीं देता था, यानी कि मेन टॉपिक वाला थंबनेल कभी कभी दिखाई नहीं देता था, जिसकी वजह से वीडियो पर व्यूज आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था, 4-5 व्यूज आता था। अब क्या है ना कि YouTube शॉर्ट्स को लेकर के YouTube ने बहुत बढ़िया अपडेट दिया है कि आप अपने वीडियो में थंबनेल लगा सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मैं आपको बताता हूं कि थंबनेल आप अपने शॉर्ट वीडियो में कैसे लगा सकते हो अपलोड करते करते, और ये अभी मोबाइल में आ गया है एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, और यहां पर चलिए मैं आपको जल्दी से पटाख से बताता हूं। तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसको मैं पहले डिलीट करता हूं। देखिए यहाँ पर मैंने अपने YouTube को ओपन किया हुआ है, प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, क्रिएटर शॉर्ट्स पे आपको क्लिक कर देना है। क्रिएटर शॉर्ट्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए नॉर्मली आप वीडियो भी यहाँ से भी बना लेते हो, जैसे मान लीजिए चलिए यहाँ पर मैंने इस तरह से यहाँ पर करके मैंने बना लिया। अब यहाँ पर बना लिया, बहुत सारे लोग मोबाइल से डायरेक्ट अपनी वीडियो की शूट करते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी वीडियो को वो रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि शूट करके एडिट करके रखते हैं, इसके बाद शॉर्ट्स में आकर के अपलोड करते हैं। तो सिंपल से यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया हुआ, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया हुआ है, ये शॉर्ट्स वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जाकर के देखना, बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बनाया है, आपको मोटिवेशन मिलेगा और शॉर्ट्स कैसे बनाया जाता है आपको पता चलेगा। नहीं बनाने आता इस तरह से शॉर्ट्स तो आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। तो आपको यहाँ पर देखिए ये 12 सेकंड का है, डन पे मैंने क्लिक किया। डन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रहा है, ध्यान से देखिएगा प्रोसेसिंग चल रहा है। अब इसके बाद ये वाली वीडियो देखिए मेरा प्रोसेसिंग हो गया, यहाँ पर आपको देखिए फ्लिप स्पीड टाइमर, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन रीटच, यहाँ पर रीटच पर क्लिक करके आप उसको फिल्टर भी कर सकते हो, फिल्टर वाले पे क्लिक करके यहाँ पर आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, लेकिन ये तब होगा आप वीडियो अपलोड करने के पहले, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको और भी कुछ ऑप्शन मिलेंगे ट्रिमिंग का, तो यहाँ पर सिंपल से इतना करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, टिक वाले आइकन पर, ठीक है, टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देने के बाद देखें ये जो है अब मेरी जो शॉर्ट्स है ये अपलोड हो चुकी है, अपलोड नहीं हुआ यानी कि यहां पर लोड हो चुका है, ठीक है। यहां पर नीचे साउंड टेक्स्ट टाइमलाइन फिल्टर, अब अगर आपको अपने इस शॉर्ट्स वीडियो में कोई चेंजेस करने होंगे, मान लीजिए कलर थोड़ा सा अच्छा करना होगा तो फिल्टर पर क्लिक करके यहां पर आप कुछ दूसरा फिल्टर लगा लीजिए, थोड़ा ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे इस तरह से, ठीक है, मतलब थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो भैया मुझे अपना ओरिजिनल वाला ही अच्छा लग रहा है, उसी को मैं यहां पर कर दे रहा हूं। तो इसके बाद करने के बाद में यहां पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां पर देखिए अब आपके सामने यहां पर एक पेंसिल वाला आइकन मिल गया, इस पेंसिल वाले आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी फिर से एक बार वीडियो प्रोसेसिंग होगी। अब यहां पर नीचे देखिए यहां पर आपके वीडियो का कोई भी थंबनेल आप लगा सकते हैं, यानी कि थंबनेल अलग से आप ऐड नहीं कर सकते हो अपनी वीडियो में, जैसे मान लीजिए कोई थंबनेल बना लीजिए और अपने थंबनेल को उस वीडियो में ऐड कर दीजिए, ठीक है, बीच में कहीं लगा दीजिए, अपलोड करने के बाद में आप अपनी वीडियो को इस तरह से कीजिए और जहां पर आपने थंबनेल लगाया हुआ हो उसको यहां पर सेलेक्ट कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए मुझे कौन सा इंप्रेशन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला इंप्रेशन ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इस वाले इंप्रेशन से, इस वाले थंबनेल से मुझे ज्यादा क्लिक मिल सकता है, मुझे ज्यादा व्यूज मिल सकता है, तो मैं क्या करूंगा इसी वाले पे क्लिक करके मैं यहां पर डन कर दे रहा हूं। अब देखिए डन मैंने कर दिया, तो देखिए मेरा उसी वाले पार्ट पे ही मेरा थंबनेल बन गया। अब अगर आप कुछ दूसरा चेंज करना चाहते हो, देखिए मैंने यहां पर इस तरह से कर दिया, डन पे क्लिक किया, तो अब देखोगे कि मेरा वो वाला थंबनेल हो गया। इस तरह से आप थंबनेल अपने शॉर्ट वीडियो पर आप लगा सकते हो। अब बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका है कि जिससे कि आपके शॉर्ट वीडियो पर बहुत ही तगड़े व्यूज आएंगे। और इसके बाद आपको करना क्या है, अनलिस्टेड में आप अपने वीडियो को अपलोड कर दीजिए और आपका वीडियो का थंबनेल, अभी ये देखिए जो वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए मेरी वीडियो अपलोड हो गई। अब मैं आपको अपने चैनल पर ले जाकर के दिखाता हूं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड जो हुआ हुआ है वो कैसे हुआ है। तो देखिए मैंने अपने चैनल को ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद यहां पर देखिए मैंने ये वाला शॉर्ट्स अपलोड किया था और जो थंबनेल मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में लगाया था वही वाला थंबनेल यहां पर लगा हुआ है। एक बार आप अपने थंबनेल को वहां पर सेलेक्ट कर लेंगे तो दोबारा आप अपने थंबनेल को चेंज नहीं कर सकते हो, इसका भी यहां पर एक नियम है भैया, जिस थंबनेल को आपने सेलेक्ट किया वही थंबनेल आपका रहेगा, दोबारा आप उस वीडियो का थंबनेल चेंज आप नहीं कर सकते हो, ये एक गड़बड़ी है। YouTube को यहां पर चेंज करने वाला भी ऑप्शन देना चाहिए था, क्या कहते हो, देना चाहिए था नहीं देना चाहिए था, नीचे आप कमेंट करो। और अगर आपको शॉर्ट वीडियो एडिटिंग नहीं करने आता तो नीचे आप कमेंट करो, मैं उस पर भी आपके लिए कि फुल डेडिकेशन वाली वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।